एआरपी स्पूफिंग टूल का हम यूज़ करेंगे मैन इन द मिडल अटैक करने के लिए एंड फेक एआरपी पैकेट सेंड करने के लिए राउटर एंड विक्टम को। सो ये सिंपल एंड रिलायबल है एंड ये सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया, लिनक्स हो गया, मैकओएस हो गया, सबके ऊपर ये वर्क करेगा क्योंकि ये नेटवर्क बेस्ड है। एंड आप सिर्फ काले लिनक्स नहीं पर और भी सिस्टम में ये सेम टूल इंस्टॉल करके रन कर सकते हो। पहले के जो काले लिनक्स वर्जन थे उसमें इनबिल्ट आता था, पर अभी का जो वर्ज़न है उसमें एआरपी स्पूफ जो टूल है वो इनबिल्ट नहीं होगा, तो अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा ये कमांड का यूज़ करके। सो अभी हम लोग टर्मिनल पे है एंड कमांड रन करते हैं dsniff एंड आपको यस करना है। सो अभी ये dsniff लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा है जो पूरा उसका जो कमांड सूट होगा वो, एंड ये अभी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। एंड अगर अभी आप एआरपी स्पूफ करके एंटर करोगे तो आपको दिख जाएगा उसका वर्जन, उसका यूसेज, तो उसका यूसेज किस तरह से है एंटोल। सो वो अभी देखते हैं कि हमें क्या करना है। दो पैकेट सेंड करने हैं। पहला पैकेट होगा एआरपी स्पूफ का कि विक्टम को सेंड करेंगे ऐसा कह के कि राउटर है हम, एंड सेम ऐसा दूसरा एआरपी स्पूफ का पैकेट होगा राउटर को सेंड करेंगे कि हम विक्टम हैं ऐसे। यानी समझ गए, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बोला था कि हमें राउटर एंड विक्टिम के बीच में आना है, तो उसके लिए हम पहले पैकेट सेंड करेंगे राउटर को, ऐसा बोलेंगे कि मैं विक्टम हूँ, एंड देन विक्टम को पैकेट सेंड करेंगे ऐसा बोलेंगे कि मैं ही राउटर हूँ, एंड दोनों हमें पे बिलीव कर देंगे एंड जो भी हमारा पैकेट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा मैक एड्रेस उसके डेटाबेस में सेट कर देगा। एंड जैसे कि इसका जो सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कमांड है तो ये सिंपल कमांड है एआरपी स्पूफ एंड दोनों यहाँ पे विक्टिम का आईपी एड्रेस एंड राउटर का आईपी एड्रेस, एंड ये जो लास्ट का कमांड है ये इसके लिए कि ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए, लाइक बाय डिफॉल्ट जो काले लिनक्स है उसमें ट्रैफिक फॉरवर्डिंग ऑफ होती है, बट जैसे ही हम ऐसा करेंगे कि हम विक्टिम को एंड राउटर को फेक भेज देंगे फेक एआरपी पैकेट, तो फिर क्या होगा, राउटर का जो विक्टिम के लिए डेटा होगा वो हमारे मशीन पर आएगा एंड जो विक्टिम का भी जो राउटर के लिए डेटा होगा वो भी हमारे मशीन में आएगा, तो हमको उसको फॉरवर्ड भी तो करना है आगे। तो उसके लिए वो फॉरवर्डिंग अनेबल करने के लिए हम लोग ये कमांड रन करते हैं, पर उससे पहले पहले वाला कमांड देख लेते हैं। सो कमांड है एआरपी स्पूफ डैश आई एंड यहाँ पे डब्ल्यू लैन ज़ीरो, या फिर यहाँ पे मेरा जो अडेप्टर है एक बार हम आईएफ कन्फिग ही कर लेते हैं तो आपको वो डिटेल भी पता चल जाएगी। यहाँ पे ETH 0 है मेरे इंटरफेस का नेम, मेरा आईपी एड्रेस है 10.0.0.2.6 एंड ये मेरा मैक एड्रेस है। विंडोज़ मशीन के अंदर अगर आप ARP डैश ए कमांड लिखते हो तो आपको विंडोज़ मशीन का जो टेबल होगा ARP टेबल वो आपको दिख जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वाला आईपी एड्रेस के साथ जो जो डिवाइस है उसका मैक एड्रेस ये है, उसके बाद ये जो आईपी एड्रेस है उसका मैक एड्रेस ये है, एंड अगर आप काले लिनक्स में IF कन्फिग करते हो तो आपको दिख सकता है कि ये 10.0.2.6 है वो काले लिनक्स का आईपी एड्रेस है, ठीक है, एंड वो है ये रहा, एंड उसका मैक एड्रेस क्या होना चाहिए 0800274373BC, तो यही है उसका मैक एड्रेस। यानी कि जो डेटा एंट्री है अभी तो सही है, करेक्टली वर्क कर रही है, पर अगर हम ये वाले कमांड रन करें उसके बाद क्या होगा तो वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें दो टैब चाहिए होंगे। सो यहाँ पे हम लोग एआरपी स्पूफ स्पेस डैश आई ETH 0 कमांड रन करते हैं एंड उसके बाद डैश टी करके हमारा जो विक्टम होगा उसका आईपी एड्रेस। हम यहाँ पे अगर आपको विक्टम का आईपी एड्रेस ना पता हो दो तरीके, एक तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए आईपी कॉन्फ़िग करके देख सकते हो कि उसका आईपी है 2.50, एंड अगर आपको प्रॉपर वे में फाइंड करना हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था नेट डिस्कवर करके 10.0.2.0/24 कर सकते हो एंड यहाँ पे डैश आर आएगा
एंड ऐसे करके आप जो विक्टिम है उसका आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हो। पर अगर आपको ये ना करना हो तो आप डायरेक्टली विंडोज़ के मशीन में जाके देख भी सकते हो कि कौन सा उसका आईपी एड्रेस है। सो यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस है 10.0.2.15 स्पेस हमारा जो राउटर है उसका आईपी एड्रेस। तो राउटर का आईपी एड्रेस होगा 10.0.2.1। हमेशा जो फर्स्ट वाला जो होता है ना, वो जनरली जो राउटर होता है, जो गेटवे होता है, उसका ही आईपी एड्रेस होता है। ये कोई भी सिस्टम में ऐसा ही होता है। एंड उसके बाद एआरपी स्पूफ डैश आई ETH 0-T, अभी हमें हमारा राउटर का आईपी एड्रेस लिखना है एंड उसके बाद हमारे विक्टिम का लिखना है, क्योंकि हमें दोनों का पैकेट सेंड करना है। और जैसे ही तुम लिख दो उसके बाद हमें एंटर करना है। तो यहाँ पे ये एंटर किया एंड यहाँ पे ये एंटर किया, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूस एआरपी पैकेट सेंड करता जाएगा। ये कुछ पैकेट राउटर को सेंड करेगा और कुछ विंडोज़ को सेंड करेगा। विंडोज़ को ऐसे सेंड करेगा कि मैं राउटर हूँ, राउटर को ऐसे एआरपी पैकेट सेंड करेगा कि मैं विंडोज़ हूँ। तो उससे क्या होगा, ये मैन इन द मिडल अटैक हो जाएगा। इसका मीनिंग कि जो हमारा काली लिनक्स मशीन है दोनों के सेंटर में आ जाएगा। लाइक अभी ये 10.0.2.6 है, ये हमारा काली लिनक्स का मशीन है और ये उसका मैक एड्रेस है। एंड ये 10.0.2.1 है, ये राउटर है। तो हमारा ट्रैफिक राउटर के थ्रू जाना चाहिए। बट आप देख सकते हो कि जैसे मैंने फिर से एआरपी टेबल प्रिंट किया, इस बार 10.0.2.1 के सामने ये वाला आईपी एड्रेस आया, ये 0800। ये हमारा काली लिनक्स का आईपी एड्रेस। पहले आपने देखा था कि 52 वाला ओरिजिनल आ रहा था, पर काली लिनक्स का 6 वाले में था। अभी जो 1 है उसी में काले लिनक्स का आ गया। उसका मीनिंग क्या हुआ, हमारा एआरपी स्पूफिंग सक्सेसफुली हो गया। हमने क्या किया, विक्टिम को डिवाइस को मैनिपुलेट कर दिया और उसको बोल दिया कि मैं ही जो हूँ वो राउटर हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा आईपी एड्रेस है काले लिनक्स मशीन का है। अगर आपको वेरीफाई करना हो तो आप यहाँ पर IF कन्फिग से भी देख सकते हो कि ये जो 08 वाला था वो यहाँ पर आ गया। अभी क्या हो रहा है कि जो विक्टिम का ट्रैफिक है वो तो रन हो रहा है, वो सारे हमारे थ्रू जा रहा है। MITMF जो अटैक है वो भी रन हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, पोर्ट फॉरवर्डिंग। जैसे मैंने बोला था कि ये डेटा टेबल में चेंज हो जाएगा, तो अभी क्या होगा, विक्टिम अपना ट्रैफिक हमको भेजेगा, राउटर भी उसका ट्रैफिक हमको भेजेगा। तो हमें क्या करना है, ये अलाउ करना है कि ये जो ट्रैफिक हो वो एक दूसरे को फॉरवर्ड हो सके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एको वन, एको क्या करेगा, वन को प्रिंट करेगा एंड उसके बाद उसको स्लैश प्रॉक स्लैश SYS, ये जो प्रॉक है इसके अंदर जनरली जो कर्नल होते हैं उसके सारे लाइब्रेरीज वगैरह इसके अंदर होती है। फिर नेट के अंदर नेटवर्किंग की फाइल होती है एंड उसके बाद हमें IPv4 में जाना है एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि IP_forward। तो अगर आप IP_forward लिखते हो, ठीक है, एंड आपको एंटर करना है, तो ये क्या करेगा, आईपी फॉरवर्डिंग अनेबल कर देगा। अभी अगर आपको ट्रैफिक देखना हो तो आप क्या करो, इसके अंदर जाओ एंड यहाँ पे वायर सार्क लिखो। तो ये आपका वायर सार्क ओपन होगा। अब हमारा जो ट्रैफिक है वो ETH0 वाले एडेप्टर से जा रहा है एंड अभी आप यहाँ पे देखो तो हम क्या करें, कॉन्स्टेंटली ERP पैकेट सेंड कर रहे हैं। हमारा सोर्स ये रहा, उसका डेस्टिनेशन ये, और आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है, वायरसा के पैकेट एनालिसिस एंड पैकेट कैप्चरिंग यूटिलिटी है, इसमें हम सारे पैकेट्स देख सकते हो। और आप देखो कि ये कंटिन्यूस ERP पैकेट सेंड कर ही रहा है एंड जो भी हमारी रिक्वेस्ट होगी वो भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये ICMP रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, तो जो 6 यानी कि जो काली मशीन है उसमें से ये जो डेस्टिनेशन जो विंडोज़ की मशीन है उसमें जा रही है रिक्वेस्ट। अगर आपको और भी ट्रैफिक एनालिसिस करना हो तो आप प्रॉपरली ये कर सकते हो कि जो भी डेटा होगा जो 15 होगा वो कोई और पैकेट को ट्राई कर रहा होगा कोई और आईपी से, पर उसके पैकेट्स भी हम देख सकते हैं। जैसे कि आप देखो कि इसका सोर्स था 10.0.2.15 एंड इसका डेस्टिनेशन था ये 184 करके कोई रिमोट सर्वर है, पर फिर भी ये ट्रैफिक हम देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम मैन इन द मिडल अटैक हमने किया है, यानी जो भी विंडोज़ का ट्रैफिक है आप देख सकते हो, विंडोज़ का आईपी एड्रेस है 15, जो भी उसका ट्रैफिक है वो सारा हम यहाँ पे देख सकते हैं, सारा का सारा। सो ऐसे आप मैन इन द मिडल अटैक कर सकते हो एआरपी स्पूफिंग का यूज़ करके
एंड सारा का सारा जो विक्टिम का ट्रैफिक है वो देख सकते हो। अगर यहाँ पे जो विक्टिम है वो कोई वेबसाइट विजिट कर रहा हो तो आप वो भी देख सकते हो, तो हम वो भी उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अभी ये अटैक को स्टॉप कर रहा हूँ, कंटिन्यू विदाउट सेविंग, एंड विंडोज़ में जा रहा हूँ अभी, एंड यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ GOOGLE गूगल डॉट कॉम, एंड एंटर, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये HTTP पैकेट सारे जा रहे हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत सारे पैकेट है। तो इसको क्या करो, आप यहाँ पे फाइंड पैकेट में चले जाओ, यहाँ पे डिस्प्ले पैकेट की जगह स्ट्रिंग कर दो, एंड यहाँ पे गूगल लिख दो एंड फाइंड कर दो, एंड ये जो पैकेट लिस्ट की जगह डिटेल्स में चले जाओ, एंड ये सही है। एंड अभी अगर गूगल सर्च करोगे तो देखो ये पैकेट मिला, यहाँ पे लिखा है गूगल ज़ेनन 2022 लॉग, एंड ये क्या है कि जो 204 वाला सर्वर है उसने 10.0.2.15 यानी हमारे विंडोज़ के सर्वर को मैसेज भेजा। क्या मैसेज भेजा है कि सर्वर हेलो करके। अगर हम और भी पैकेट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनिशियली जब भी कोई वेबसाइट हम विज़िट करते हैं तो उसको TLS पैकेट्स वगैरह सेंड होते हैं इनिशियली। सो ये उसके सारे पैकेट्स हैं जो आप एनालाइज कर सकते हो। ये एक DNS पैकेट्स होते हैं कि अगर कोई भी आपकी वेबसाइट विज़िट करो, जैसे google.com है, तो उसका एक यूनिक IP एड्रेस होगा, उसमें कन्वर्ट करेगा। तो वो उसका यूनिक IP एड्रेस क्या होगा, कुछ 201 डॉट समथिंग कुछ होगा, तो उसके लिए DNS पैकेट सेंड करते हैं, DNS रिक्वेस्ट होती है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पैकेट्स है, एंड हम इसी का यूज़ करके आगे के वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम पासवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम विक्टिम का जो पैकेट्स होंगे उसके जो यूज़र नेम होगा उसका पासवर्ड होगा वो सारे हम निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो में हमने देखा कि कैसे उसका पूरा का पूरा ट्रैफिक हम मॉनिटर कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, एंड इवन अगर मेरे को चाहिए तो ये मैं ट्रैफिक को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। तो ये वीडियो में यहाँ तक था, इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे और भी बहुत सारे अटैक्स कर सकते हैं, जैसे कि पासवर्ड फाइंड करना, कुकी स्टील करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।